बड़ा पहाड़ तोड़ लिया। ये वीडियो तुम्हारे लिए है पड़ोसियों, ध्यान रहे हमारी लड़ाई किसी भी धर्म से नहीं, हम हर धर्म के साथ हैं, हर धर्म को सम्मान करते हैं। हम ही हैं जिन्होंने इस क्राइसिस सिचुएशन में, इस नाजुक स्थिति में वीडियो बनाकर अपील की थी कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे, और हम दिल से ऐसा चाहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इसे अन्यथा ले लिया, और किसी भी प्रकार के अक्त और भक्त तो दूर ही रहे, हम देश की बात करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। तो देखिए ये वीडियो और समझिए पड़ोसियों, और खुद की सरकार से सबूत मांगने वालों तुम भी देखो कि क्यों पड़ोसियों ने अभिनंदन को लौटाया। हियर इज द रियल खौफ। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ग्लोबल फायर पावर इंडियन आर्मी, पीछे है भी तो किससे? अमेरिका, रूस और चीन से, वो भी साजो सामान के मामले में, जोश और वतन परस्ती में उनसे भी आगे है। एक नंबर है भारतीय सेना। देश में ही बने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL के स्वदेशी एयरक्राफ्ट की लिस्ट देखो पड़ोसियों। हम दूसरों से गिफ्ट में नहीं लेते F-16 एयरक्राफ्ट, बल्कि हम खुद बनाते हैं। ताकत देखो इंडियन एयरफोर्स की, एडवांस्ड भारतीय एयरक्राफ्ट HAL तेजस, HAL ध्रुव, HAL किरण, HAL चीता। यही नहीं, इंडियन एयरफोर्स के पास है हाईली एडवांस्ड मल्टी रोल एयरक्राफ्ट सुखोई SU-30 MKI, MiG-29, MiG-27, MiG-21, मिराज 2000, जैगुआर। टोटल 282 एयरक्राफ्ट हैं हमारे पास। पड़ोसी और तुम्हारे पास क्या है? अमेरिका का गिफ्ट किया हुआ 75 F-16 विमानों का नाकारा फ्लीट, जिसमें से एक हमने मिग से ही गिरा दिया। भारतीय वायुसेना के पास 1,27,000 जवान है, जबकि पड़ोसी के पास 65,000 वायु सैनिक ही हैं। भारत के पास INS विक्रमादित्य जैसे विशाल का एयरक्राफ्ट करियर्स हैं, जिनका आकार 3 फुटबॉल मैदानों से भी बड़ा है। भारत के पास 58,350 जल सैनिक है, जबकि पड़ोसी के पास इनकी संख्या मात्र 25,000 है। भारत के पास 27 पनडुब्बियां हैं, जबकि पाकिस्तान के पास मात्र 10। भारत के पास 27 युद्धपोत हैं, जबकि पाकिस्तान के पास कोई युद्धपोत नहीं। भारत के पास 150 युद्धपोत हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 75 युद्धपोत ही हैं। भारतीय सेना में 13,00,000 सैनिक है, जबकि पाकिस्तानी सेना में 6,00,000 सैनिक। भारत में कुल 6,464 युद्ध टैंक हैं, जो दुनिया में चौथा स्थान है भारत का। पाकिस्तान में कुल 2,924 युद्धक टैंक ही हैं, जो दुनिया में 10वीं है। भारतीय सेना के बेड़े में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और नाग जैसी आधुनिक मिसाइलें हैं। वहीं पाकिस्तान के पास गौरी, शाहीन, गजनवी, हत्फ और बाबर जैसी मिसाइलें हैं। अग्नि 5 भारत की सबसे आधुनिक और घातक मिसाइल है। इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर है, जबकि बाबर की मारक क्षमता केवल 1,000 किलोमीटर है। भारत के पास 1,600 टैंक है, जबकि पाकिस्तान के पास 1,000 टैंक है मात्र। भारत को गौरव प्राप्त है दुनिया के सबसे ऊंचे बैटल ग्राउंड पर कब्जे का। सियाचिन की बात कर रहे हैं हम दोस्तों। हाई ऑल्टीट्यूड कॉम्बैट में भारतीय जवानों का पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं। कारण, इंडियन आर्मीज हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल HAWS। जी हाँ, ये सबसे एलिटेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर है हाई ऑल्टीट्यूड के मामले में पूरे विश्व में, जहाँ खुद US, UK और रशिया की स्पेशल ऑप्स टीमें आकर ट्रेनिंग करती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि US की स्पेशल फोर्सेस ने इंडियन आर्मी के हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल से ट्रेनिंग ली थी, तब जाकर अफगानिस्तान में उनकी पोस्टिंग हो पाई थी। और सबसे बड़ी बात, जहां देश का हर इंस्टीट्यूशन जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भर्तियां करवाता है, वहीं इंडियन आर्मी में कोई कास्ट सिस्टम नहीं चलता। इंडियन आर्मी देश का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई आरक्षण नहीं। दोस्तों, ये वीडियो जितना हो सके फैलाओ, क्योंकि ये जरूरी है कि देशवासियों को देश के गौरव भारतीय सेना की झलक मिल सके, और पड़ोसियों को समझ में आ सके कि वेयर इज द खौफ। जय हिंद।